क्या माहौल पूरा नया हो गया अभी? आज एकदम नया सेटअप, नया गेटअप और एकदम गेटअप तो बढ़िया। वही है, तुम्हारा गेटअप वही है। देखो, मतलब ये गेटअप नहीं, अपना दिल का गेटअप अलग है, अच्छा दिल पूरा चेंज हो गया क्या? चेंज हो गया। और यहाँ पर देखिए, नया चूल्हा आ चूल्हा गया। लग गया और उसका ऊपर माटी का हंडी भी लग गया। अरे आज पुनः नहीं है क्या? पुनः निकाल देंगे उसको? देखो यार, देखो आ गया। चलो आज हम बनाएंगे रवा का मिठाई। और यहाँ पर देखिए, माटी हंडी गर्म होने के बाद अपने इसमें डालेंगे देसी घी। बस घी एकदम बढ़िया सा गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे सूजी। इसको चलाते चलाते अच्छा सा फ्राई बनाएंगे। यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए हंडी रख देंगे। फ्राई हो गया बढ़िया सा, अब जाएगा उसमें दूध। इसको अच्छा सा मिलाएंगे और इसको बढ़िया से पकाएंगे। और यहाँ पर हंडी तो अच्छा सा गर्म हो चुका है, अब इस पर डालेंगे पानी। ये देखिए, अब इसको इसी तरह चलाते चलाते पूरा टाइट बनाएंगे। जो सूजी है ना, पूरा अच्छा से पक जाना चाहिए। अब इस पर डालेंगे चीनी। कितना, 10 मिनट हो गया। अब इसको इस तरह चलाते चलाते और 5 मिनट लगेगा। मतलब तो 5 मिनट में बन जाएगा पूरा स्वीट? नहीं नहीं स्वीट नहीं बनेगा, फिर वो रेडी रहेगा। देखो ऐसा बोले तो ऐसा चाशनी बनाने के बाद उसको निकाल के उसमें भाई तेल को गर्म करो डीप फ्राई करने के लिए। कम से कम आधा घंटा तो बोलो उनको। जब तक मैं इसको क्या करता हूँ, ठंडा करने के बाद छोटा छोटा स्वीट मतलब टीका जैसा बनाऊंगा इसको। अच्छा ये देखिए, तो और 2 मिनट लगेगा रेडी होने के लिए। होना देखिए, चाशनी तैयार कर रहा, तो उसके लिए अपन थोड़ा इलायच को कूट के डाल देंगे। ये देखिए, इलायच कूटना हो गया। अब इसको डाल देंगे चाशनी में। देखिए भैया, इलायची डालते डालते खुशबू आ रहा है एकदम। डालने से पहले भी आ रहा था वो? नहीं, इलायची के अलग कुछ जब कूट रहा था ना तब भी आ रहा। तब से स्टार्ट हो गया। और ये देखिए, ये भी रेडी हो गया है। अब इसको ले लेंगे प्लेट में। ठंडा होने के बाद इसको छोटा छोटा मिठाई बनाएंगे। अभी मिठाई जैसा दिख रहा है वो, और बनने के बाद इसको डीप फ्राई करेंगे ना। देखो जब तक कलर कैसा दिखेगा। चाशनी तो अच्छा सा रेडी हो रहा, अब इसमें डालेंगे केसरी। केसर केसर इसको अच्छा सा मिलाएंगे। उठा के दिखाओ, रेडी हो गया। और 2 मिनट भैया। हाँ हो रहा अभी हो जाएगा। तो अपन जब तक इसको मिठाई बनाएंगे। बनाओ, ठंडा हो गया है, छोटा छोटा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। सबसे पहले इस तरह राउंड बनाएंगे और इसको दबा देंगे। अच्छा जबरदस्त मिठाई बन रहा है। ऐसा बना के इसको करेंगे डीप फ्राई। सबको ऐसा बनाना है अभी। हाँ पूरा बना के रेडी रख देंगे। कोना हाँ। वो चाशनी को निकाल के उसमें तेल को गर्म करो। ठीक है भैया। देखिए चाशनी तो अच्छा सा रेडी हो चुका है भैया। हो गया, ऐसा पकड़ के देखो, जलेगा हाथ। देखो चिपक रहा है। हाँ चिपक रहा है। चलो रेडी हो गया फिर। अच्छा चिपक गया भैया। हंडी तो अच्छा सा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे तेल। ऊपर नहीं आना। ठीक है भैया, एक एक टच नहीं होना, उतना टच नहीं होना। हो गया डालना पूरा। ये देखिए कितना बढ़िया सा डीप फ्राई हो रहा। अब इसको और 2 मिनट तक अच्छा सा डीप फ्राई बना देंगे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा डीप फ्राई हो चुका है, अब इसको निकाल देंगे। पूरा इसका अंदर चाशनी चला जाना चाहिए। अच्छा क्या दिख रहा है भाई, मजेदार स्वाद रहेगा ये पूरा। देखो अब से स्वीट हाउस में जाके खरीदना नहीं, खुद का बना लेना पड़ेगा। काम देखिए कितना, कुछ भी नहीं काम, ज्यादा नहीं, बढ़िया वाला स्वीट बनेगा। अब डाल देंगे सेकंड राउंड, जो बचा हुआ मिठाई को डाल देंगे। सेम उसी तरह इसको भी बढ़िया सा डीप फ्राई बनाएंगे। ये देखिए इसका अंदर पूरा चाशनी घुस गया है, अब इसको डाल देंगे प्लेट में। ये देखिए पूरा प्लेट में डालना हो गया। अब इसके ऊपर डालेंगे अपन देसी घी। ये देखो इसी तरह, क्या दिख रहा है भाई। चलो ये भी रेडी हो गया है और इसको ले लेंगे, चाशनी में डालेंगे। क्या बना? डालो डालो जल्दी।
क्या दिख रहा है भाई? गुलाब जामुन जैसा ही सेम। ये कलर पूरा गुलाब जाम का हो गया भैया। ये राउंड तो क्या बोले, समझ में नहीं आया। गुलाब जाम का आ गया कलर जैसा कलर। इसको प्रसाद बना देंगे अभी। अब से अपने चैनल में नॉनवेज कुछ भी नहीं रहता भैया। देसी स्टाइल में अपन बनाएंगे, प्योर वेज। प्योर वेज बनाएंगे क्योंकि मानव मात्र के लिए वेजी वो समझ लिया अपन। इतने दिन से जो भी कार्य किए हैं वो जो हो गया हो गया, सो गया है। हमारा हाथ में कुछ भी नहीं, जो कर रहे हैं और जो करने वाला है वही है, वही है। तो इसको मतलब जो अपना सफर है यहाँ तक लाया है वही है, तो आगे भी बढ़ाने वाले वही है। तो ठीक है, थोड़ा आप भी देख के थोड़ा समझ लीजिए, देखिए सोचिए और समझिए बात को। चलो इसको ले लेंगे बोल में, इसी तरह डाल देंगे। एक में दो दो ये देखिए भाई, अपना प्रसाद तो रेडी है। चलिए ले लीजिए, खा के अभी टेस्ट करके बताओ। वैसे भी जबरदस्त टेस्ट होगा ये। ऊपर क्रिस्पी है भैया, अंदर एकदम नरम है। ये काटे रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा अपन। तो देसी घी का स्वाद है भैया। बताओ अब से अपने चैनल में, अपना चैनल में अब से पूरा नॉनवेज पूरा बंद हो गया। लाइव आने वाला है ना, तो उसमें भी बहुत देर सारा बात करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में खास करके। और सही, और दोस्तों अगले अगले और जबरदस्त वीडियो में मिलेंगे। जबरदस्त और अगले आने वाला जबरदस्त वीडियो में मिलेंगे। तब तक लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।